गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का आपका FA2 टेस्ट पेपर है जो कि विषय हिंदी का है, कक्षा तीसरी के लिए है, दिन है आपका सोमवार। तो ये पूरा 20 नंबर का है हमारा टेस्ट पेपर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या करना है, शब्दार्थ लिखने हैं, यानी कि ये जो शब्द लिखे हुए इनके अर्थ लिखने हैं। कंठ का क्या अर्थ होता है, अनायास का क्या अर्थ होता है। देखो प्रश्न नंबर 2, दिए गए वर्णों में अक्षर भरकर, ये जो वर्ण दिए हुए इनमें आपको अक्षर भरना है, पशु पक्षी का नाम पूरा करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, नई दिल्ली भारत की डैश है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में से छांट के यहाँ पे उसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए शब्दों से वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं और उन वाक्यों में ये शब्द आने चाहिए। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस दिए, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, जैसे देखो मोर के पंख कैसे होते हैं, तो आपको उसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट, दारोगा जी ने सिपाहियों को क्या हिदायत दी, यहाँ पे आपको उसका उत्तर लिखना है। संज्ञा शब्द लिखिए, संज्ञा शब्द लिखने हैं, जैसे 2 महीनों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे, 2 मित्रों के, अपने कुछ 2 मित्रों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रेंड्स के नाम। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखे, पुल्लिंग दिए हुए हैं उसका आपको स्त्रीलिंग में चेंज करके यहाँ पे लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, एक वचन है यहाँ पे बहुवचन लिखना है। आप अपने लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको उसकी परिभाषा लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।